हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब भी हम प्रेगनेंसी में होते हैं, महिलाएं जब प्रेगनेंसी में होती है तो मन में सिर्फ एक ही उनका इच्छा होती है कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। सिर्फ मन में एक ही उत्सुकता होती है और मन में अंदर से एक इच्छा, एक जुनून हो जाती है जानने की कि हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। उसी मन की उत्सुकता को कम करने के लिए आज मैं आपके साथ फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो आप आसानी से जान सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। कुछ पुराने जमाने के कुछ ऐसे आपके साथ लक्षण लेकर शेयर करने आई हूँ, कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाली हूँ जिससे यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अपने से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। क्योंकि मैं आज आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ था, और हमने बेबी बॉय को कंसीव किया था वही आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और हमारे जो पुराने दादी नानी थी, जो हमें उन्होंने बताया था लक्षण देकर कि आपको बेबी बॉय होगा, और उनका लक्षण मेरे ऊपर सही काम किया, कितना सही और कितना गलत किया, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, जिससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर किसी को एक ही इच्छा होती है कि हमने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। क्योंकि मेरा भी मन में यही उत्सुकता थी जानने का, जब मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में थी, तो कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। जो हमारी दादी थी, यानी कि हमारी जो दाई थी घर की दादी, वो मुझे देखकर ही पहले ही में उन्होंने बता दिया था कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है क्योंकि आपको बेबी बॉय होगा। और हालांकि मुझे बेबी बॉय ही हुआ, वो कुछ ऐसा लक्षण मुझे देखकर उन्होंने बता दिया कि ये लक्षण आप में दिख रहा है तो आपको बेबी बॉय ही होगा। जो फर्स्ट लक्षण है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है हमारे सोने की, यानी कि तरीक़े से उन्होंने पता कर लिया था कि आपको बेबी बॉय ही होगा। और हमारे लिए कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा, यानी कि जब प्रेगनेंसी में थी तो हमेशा, यानी कि लेफ्ट साइड सोती थी हमेशा, मैं हमेशा लेफ्ट साइड ही सोती थी प्रेगनेंसी में। तो जब मुझे उन्होंने लेफ्ट साइड सोते हुए देखा तो देखते ही उन्होंने बता दिया कि आपको बेबी बॉय ही होगा, यानी कि आपको लड़का होगा। तो हमने बोला कि हाँ, ऐसे कैसे हो सकता, तो बोला कि हाँ हाँ, लड़का ही होगा। तो जब मेरा प्रेगनेंसी हुआ, यानी कि जब मेरा डिलीवरी हुआ, तो मुझे बेबी बॉय हुआ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि ये पूरा सही है, मेरे लिए 110% वर्क किया कि राइट साइड सोने से बेबी बॉय होता है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उनका अगला टिप्स है, यानी कि अगला उन्होंने लक्षण मुझे पहचान कर बता दिया था कि यदि आपका फेस में ज़्यादा डार्क्स आ जाते हैं, फेस आपका पहले से बद्दा हो जाता है, सुंदरता आपका कम जाता है, फेस में दाने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, और आपको फेस बहुत पहले धूल हो जाते हैं, यानी कि पहले से आपका जो फेस है ना, सुंदरता कम जाता है, तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये भी लक्षण हमारे लिए, ये भी टिप्स हमारे लिए बहुत ही फॉलो हुआ और हमने बेबी बॉय को ही कंसीव किया था, और मेरे साथ ऐसा लक्षण दिखाई दिया और मेरे लिए 110% सही वर्क किया। तो मैं इसको भी सही मानती हूँ, ये भी टिप्स मेरे लिए सही माना जाता है और मेरा ऊपर ये वर्क किया। अगला टिप्स है कि उन्होंने बोला कि यदि आप ज़्यादा चटपटा तीखा चीज़ें पसंद करते हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, और यदि आप ज़्यादा मीठा चीज़ें पसंद करते हैं, खाना जैसे कि मिठाई वगैरह हो गया, ज़्यादा मीठा चीज़ें आप पसंद करते हैं, तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन मेरे लिए तो ये सही हुआ कि मैं ज़्यादा चटपटा चीज़ें खाती थी तो बेबी बॉय हमने कंसीव किया था, लेकिन कई लोगों के लिए गलत हुआ। जैसे जो मेरे अगल बगल वाले लोग हुआ, तो उन्होंने क्योंकि मीठा ज़्यादा पसंद करता था, फिर भी उन्होंने बेबी बॉय को ही कंसीव किया था। तो हर किसी के लिए एक सही नहीं होता है, किसी किसी के ऊपर काम करता है, किसी किसी के ऊपर काम नहीं करता है। तो जरूरी नहीं कि सभी के लिए एक जैसा ही हो, तो आप इस पे बिल्कुल भी माइंड ना करें और बेबी गर्ल और बेबी बॉय में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करें, क्योंकि बेटा और बेटी हमारे लिए दोनों एक समान होते हैं। आपको बिल्कुल भी, यानी कि इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इसका वैज्ञानिक तौर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही बेस्ट होते हैं। नमस्कार।